एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपके लिए भी, मतलब एक ही सवाल आप दोनों से करना चाहूँगी। सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, क्या आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं? मेरा ख्याल है हम जो खाना खा रहे हैं नॉर्मली वो प्रोसेस्ड होता है। क्या आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं? What is अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? ये वाली बात मुझे भी नहीं पता था, थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा, लेकिन हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेस्ड फूड बेसिकली क्या होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, क्योंकि हमने अक्सर बात की कि ये जो जी प्रोसेस्ड फूड है ये मत खाएं। अमूमन घर के अंदर भी हम ये टर्म सुन रहे होते हैं, डॉक्टर से हम ये टर्म सुन रहे होते हैं। हम में से कोई ये नहीं सोचता कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उसका हम किस तरह से डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये पता चला जो आम घर में आप किचन की चीजें आप जो यूज कर रहे होते हैं, चिकन की भी सही है, चिकन जिसपे बना रहे होते हैं, जो किचन में ना गया वो उसके साथ ये हो जाता है। किचन की चीजें चिकन बनाने में, लास्ट टाइम कब गई थी किचन में? जब भी गई थी। कब? अरे वो टॉपिक ही नहीं आज का, वो कल रखेंगे, कल पूछना मुझसे, ठीक है? कल का टॉपिक आपके लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। अच्छा, सो अब उसमें ज़ाहिर है हमें पता नहीं होता कि हम किन किन चीज़ों का रोज़मर्रा पे इस्तेमाल करें और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस तरह से हमारे बच्चों को और हमारी हेल्थ पे उसका बहुत बुरा असर हो रहा है। तो आज इसी वाले से बात करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड क्या फ़र्क है? प्रोसेस्ड फूड जैसे हमारे पास होल फूड्स होते हैं, उनको जब हम नेचुरली ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाइक वी फ्रीज देम या हम उन्हें कट करते हैं, या अगर हम बाहर से लेट्स से एक एप्पल लेकर आ रहे हैं और उसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है? और जो हमारे पास अल्ट्रा प्रोसेस्ड आता है दैट इज़ केमिकली चेंज्ड फूड, मतलब उसमें हम केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, एडिटिव्स भी हैं, कलरिंग एजेंट्स भी हैं, जो चीज़ हमारे किचन में अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट बैड, ये कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़ मिनिमली बैड। लेकिन एक सेब अगर आप लेकर आ रहे हैं, सेब तो नेचुरल एक फ्रूट है, आप वो खा रहे हैं, आप उसको ब्लेंड भी कर रहे हैं, तो आप सेब को ही ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये तो नेचुरल चीज़ है। जब हमारे पास एप्पल आता है उसको भी हम केमिकल लगाते हैं ताकि वो एक उसका जो कलर है वो अच्छा रहे, ठीक है? लेकिन जब हम उसे घर लेकर आ रहे हैं, वॉश कर रहे हैं और ब्लेंड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। और उसके बाद उसके अंदर आप जब फ्लेवर्स ऐड करेंगे, क्रीम ऐड कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री की तरफ से होता है, ये हम घर में नहीं कर सकते। अच्छा, यानी जो चीज़ तैयार मिल रही है हमें, जिस तरह हम फ्रोजन आइटम्स की बात करते हैं, तो वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अच्छा, फॉर एग्जांपल नगेट्स, इवन जो फ्रोजन चिकन आता है, वो भी प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। जी जी, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं ना हम लोग केमिकल्स लगा के, तो इसलिए वो अल्ट्रा प्रोसेस में आता है, ठीक है? इवन केचप, सॉसेस, टोमेटो पेस्ट और ये सब कुछ सब प्रोसेस्ड है। हाँ, सब। अच्छा, ये जो गार्लिक का पेस्ट हम लेके आते हैं बॉटल्स में और हम ये कह रहे होते हैं जी घर के अंदर खाना बन रहा है, साफ सुथरा खाना है, नेचुरल चीज़ें डल रही हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात? तो अगर आप वो पेस्ट, टोमेटो पेस्ट है या फिर गार्लिक का पेस्ट है, अगर आप वो ऐड करते हैं तो आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही खा रहे हैं घर के अंदर भी। जी, ऐसा ही है, क्योंकि वो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हमें उसमें केमिकल्स डालने पड़ते हैं और आपने देखा होगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम घर में एक टोमेटो सॉस या पेस्ट बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट वैसा नहीं होता। तो टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए भी हम उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं। अब ये केमिकल्स कौन कौन से होते हैं और इसका हमारी हेल्थ पे क्या नुकसान होता है? इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, हमारे पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट आ जाता है, सोडियम आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास बेतहाशा है, मतलब हम उन्हें नेम नहीं कर सकते। और इसमें यह है कि अभी तक रिसर्च के मुताबिक हमें पता नहीं चला कि डायरेक्टली इनका क्या इफेक्ट आता है बॉडी पे, लेकिन बहुत सारी डिजीज़ हैं जो इनके साथ एसोसिएट हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो औरल माइक्रोबायोम है, यानी कि हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया होता है, जब हम कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को बार बार कि एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है। इसके अलावा जब हम ऐसे खाते हैं चीज़ें तो हमारे टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लाइक हमारा दिल करता है एक चिप्स के बाद 3 और खाएं, 4 और खाएं, ये हमारे ब्रेन पे उस टेस्ट का इफेक्ट जाता है। अच्छा, ये नहीं वो जो एक टेस्ट एनहांसर ऐड किया है उसकी वजह से दिमाग को जो सिग्नल जा रहा है वो स्ट्रेस को कॉज कर रहा है, स्ट्रेस कॉज कर रहा है, क्योंकि वो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो जाके ब्रेन के इर्द गिर्द ऐसी लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से आजकल मेमोरी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि डिमेंशिया। और इसी तरह जब वो हमारे गट में जाते हैं तो गट माइक्रोबायोम, यानी कि गट में हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उन बैक्टीरिया को भी जाके नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन ख़राब हो जाती है। और आजकल जैसे हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है या हमारी डाइजेशन नहीं प्रॉपर, ओबेसिटी फेस कर रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि लो डाइजेशन होगी तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, एंड ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ डिजीज। हमारी हेल्थ के लिए जो चीज़ नुकसानदेह है, जो केमिकल नुकसानदेह है, जिसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, यानी प्रूवन फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें अवेलेबल क्यों हैं फिर? देखें व्हाई दीज प्रोडक्ट्स हैव सर्टिफिकेट्स देन? देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम उसे होल फूड के साथ मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि हम चिकन बना रहे हैं, उसमें हमने टोमेटो पेस्ट डाल दिया है, अब उसके अंदर प्रोटीन है, वो कवर अप कर लेगा कहीं ना कहीं उस चीज़ को। लेकिन अगर सिर्फ हम पैकेट्स पे रिलाई कर रहे हैं, हम दिन भर वो पैकेट्स ले रहे हैं, उसके साथ होल फूड नहीं ले रहे बिल्कुल भी, तो फिर वो हमें अफेक्ट करेगा। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कि ज़ाहिर है शेल्फ लाइफ बढ़ानी समटाइम ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर वो फिर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, ख़राब हो जाएगा ना, कि ख़राब ना हो जाए उसकी ज़रूरत होती है। बट एक जो हेल्दी हम एक प्लेट का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे पोर्शंस उसके अंदर मौजूद हों। कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है शोएब ने बात की कि कभी ज़ाहिर मजबूरी होती है कि आपको करना होता है उन इलाकों तक पहुँचाने के लिए, या इनफैक्ट यहाँ पर भी ज़्यादा दिन तक आप स्टोर अगर करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ज़ाहिर है उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको अवॉइड जितना कर सकते हैं करें। डॉक्टर साहब बच्चों की बात करें, हम तो यही करते हैं लंच बॉक्स उनका प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो अच्छा नगेट्स हैं, नगेट्स घर में तो बहुत कम लोग, मैंने देखा मतलब बहुत कम होता है कि लोग बना रहे हो, पैकेट लिया बच्चों को फ्राई करके दिया और बस बात ख़त्म। अब उसमें भी बच्चों में क्या क्या मसाइल आते हैं जो हम देख रहे होते हैं, बच्चे सुस्त हो रहे होते हैं या फिर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, क्या ये भी वजह हो सकती है इसकी? अच्छा, आजकल न्यू रिसर्च ये है कि शुगर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है बच्चों को, और ये शुगर कहाँ से आ रही है? ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड से आ रही है, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है। अगर तो आप नॉर्मल शुगर घर में यूज़ करते हैं, गुड़ हनी, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब बात प्रोसेस फूड की आती है तो शुगर अफेक्ट कर रही है, उनके ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, वो एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उनको जब वो बड़े होंगे तो फिर साइड इफ़ेक्ट की फॉर्म में उनके सामने आएगा। डॉक्टर साहब चीनी अल्ट्रा प्रोसेस में आती है? जी, चीनी अल्ट्रा प्रोसेस में आती है जी। रिफाइंड शुगर की हम बात कर रहे हैं। रिफाइंड शुगर जी। गुड़ बेहतर है? गुड़ बेहतर है, लेकिन आजकल उसको भी रिफाइन किया जा रहा है। आप देखें कि नेचुरल सोर्स से जो गुड़ आ रहा है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू द गुड़ दैट इज कमिंग फ्रॉम अल्ट्रा प्रोसेस। मतलब जो पैकेज फॉर्म है ना चीज़, वो आप अवॉइड करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है क्योंकि वो केमिकल के थ्रू उसको प्रिजर्व किया हुआ है। हां जी। अच्छा, कोई कोई फायदा भी होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का? जी होता है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने लगी हूँ। जैसे हमारे घरों में दूध आता है, ठीक है, अब आई एम वेरी सॉरी टू ऑल द मिल्क मैन, हो सकता है आप में से कुछ ऑनेस्ट भी हों, कुछ डिसऑनेस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मिल्क के अंदर ना ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो हमारे हेल्थ को इन अल्ट्रा प्रोसेस से भी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं होती कि हमने दूध में क्या डालना है, ठीक है। तो इस वजह से हम तब कहते हैं कि आप डब्बे का दूध ले लें, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उसमें जो है हम लोग कैल्शियम को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो खुला दूध हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मिल्क मैन उसमें क्या डाल रहा है। और वही वाली बात है, देखिए अगर आपको पता है कि वो अच्छे सोर्स से आ रहा है और आपको आप ट्रस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल चीज़ है उसका तो कोई निमूल बदल नहीं है ऐसे। लेकिन देखें इसमें बात यह कि एक तरफ हम खुद डिस्करेज कर रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को, लेकिन उसके बरक्स हम कह रहे हैं कि खुला दूध ना लें, आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड दूध ले लेंगे, तो अजीब सी बात होगी, क्योंकि केमिकल्स तो है ना उसमें, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बेशक उसमें है, लेकिन जो केमिकल मिल्क मैन इसमें ऐड कर रहा है ना दूध में, वो ज्यादा खतरनाक। मसलन क्या क्या ऐड कर रहे हैं? हमने सुना है फॉर्मलिन भी ऐड की जाती है। ऐसा ही है, उसके अंदर सरफ जो होता है ना, मैंने देखा है कि वो भी पानी के साथ मिक्स करके, अक्सर ऐसी वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पे कि वो करें, उनको ना आइडिया नहीं होता कि इसमें क्या डालना है। सरफ डालने से क्या होता है? उसकी झाग बनती है, जब हम दूध उबालते हैं तो वो तो टेस्ट भी नहीं आ जाता है वो, मेरे ख्याल में उसको बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो जब हम दूध को उबालेंगे ना तो वो उसके ऊपर बबल्स बड़े अच्छे बनते हैं, तो हम कहते हैं वो हमारा दूध बड़ा खालिस है, बड़ा गाढ़ा दूध है। हाँ ऐसे ही है। अब हमें डीप डाउन तो नहीं पता कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है क्या दूध का टेस्ट कराना आसान होता है कि चेक कर लें कि इस दूध में कितना सर्फ है और कितना दूध है, यानी वो दूध का दूध और सर्फ का सर्फ हो जाए? देखिए आप अगर उसको उबालेंगे, अगर तो उसके ऊपर मोटी लेयर आती है तो वो ठीक है। अच्छा हाँ, अगर उसके ऊपर पतली लेयर बन रही है तो फिर वो ठीक नहीं है। अच्छा, जो दही हम लेके आते हैं घर में, कुछ लोग बना रहे होते हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो ऑब्वियसली अगर आप उसी दूध से बना रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दही भी हम अक्सर कह रहे होते हैं बड़ा मीठा दही है, और जो मीठा दही हो रहा है तो घर वाले भी भेजते हैं, अच्छा जी उसी दुकान से लेके, क्योंकि वहाँ का जो दही है वो बड़ा मीठा है, तो वो भी इसी तरह से उसमें भी ऐड किया जाता है, शुगर डाल रहे हैं, चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन देखें इसमें भी डिफरेंट वेरिएशन आ जाती है। अगर आप मार्केट से लेते हैं अल्ट्रा प्रोसेस, जो लो फैट हमारे पास योगर्ट आती है, दैट इज़ गुड फॉर पीपल दोज आर सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल या ऐसी कोई बीमारियों से, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती, हमें जाके अल्ट्रा प्रोसेस लेना है। अब जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोग हैं वो ग्लूटेन नहीं ले सकते, सो दे हैव टू गो टू द मार्केट एंड गेट ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स। तो फिर ऐसे जब हमारे पास लाइनिंग आ जाती है डिजीजेस की, तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मार्केट में जो हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द मिल्क थिंग, अक्सर ऐसा होता है कि एक जगह से जहाँ से आ रहा होता है दूध वो आपको इसलिए पसंद आता है क्योंकि उसमें मलाई की लेयर बहुत अच्छी थिक आती है, लेकिन कहीं और से आप लेकर आते तो या तो बिल्कुल ही नहीं आती या तो ऐसी आते कि वो समझ नहीं आते कि भलाई कहें भी इसको या ना कहें। तो क्या ये डिफाइन करता है कि आपको जो उसमें भलाई की लेयर आ रही है, अच्छा इसका मतलब है दूध ठीक है, या वो भी आर्टिफिशियली क्रिएट की जा सकती है? भलाई आई गेस आर्टिफिशियली क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे पास अल्ट्रा प्रोसेस्ड मिल्क आता है उसकी भलाई इतनी हमें नहीं मिलती, लेयर उसमें मिलती नहीं है, हाँ मिलती ही नहीं है ना उसमें तो मिल जाता है, फैट पहले निकाल लेते हैं हाँ जी। तो देखिए ये जो भलाई आती है ये इतनी भी यूजफुल नहीं है, इसमें फैट ज़्यादा होता है। मज़े की होती है ना, मज़े की तो होती है, लेकिन अब क्या करें सेहत का भी तो ज़्यादा ख्याल रखना बड़ा बनाना होता है ना। वो भलाई आएगी तो आप भलाई इकट्ठी करेंगे, उसके बाद देसी घी बनाएंगे, तो हम तो उस चक्कर में देख रहे हैं। सही बात है, क्या फूडी लोग ना खाने की बात हो रही है कुछ ना कुछ निकालेंगे उसमें, है ना, घर में बन जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। लेकिन भलाई नहीं आती तो डॉक्टर साहब चीनी की अगर बात की जाए उसके क्या असरात होते हैं आपके माइंड के ऊपर? मैं एक एडल्ट की भी बात करूँगी इसमें, बच्चों के पर्सपेक्टिव। अगर आप एक हफ्ते के लिए मतलब 7 दिन के लिए आप चीनी नहीं लेते, आप कट डाउन करते हैं, तो आपके जहन पे आपकी बॉडी पे उसके क्या असरात होंगे? पहले दिन आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका दिल करेगा आप हर इंसान को मार दें, क्योंकि वो चीनी जो है ना वो एक ड्रग की तरह हो चुकी है। हम सब एडिक्टेड हैं इस वक्त, हमारी हर जो फूड आइटम है उसके अंदर चीनी है, तो हम लोगों के ड्रग की तरह इस तरह से हो गया कि अब हम छोड़ ही नहीं सकते। पहले दिन छोड़ेंगे बहुत बुरा लगेगा, जब आप 15 डे पे अपने आप को देखेंगे आप उसके बाद चीनी लेंगे ही नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 15 डेज़ चैलेंज 16 डेज़ चैलेंज। उसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। जिन लोगों को एक्नी का इशू है वो एक्नी चली जाती है, क्योंकि आपका जो मैदा है वो ख़राब होता है चीनी से। इसके अलावा ये है कि आपके ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट आता है लेजीनेस का, आप एक्टिव नहीं होते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और बच्चों में जो सबसे बड़ा मसला देखा जा रहा है कि उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है शुगर से। हम कहते हैं टीवी की वजह से हो रही है, बट शुगर की वजह से भी अब ये मसला। और चूंकि बच्चे कैंडीज भी बहुत खा रहे हैं, बच्चे डोनट्स भी बहुत खा रहे हैं, बच्चे हर मीठी चीज़ खा रहे हैं, खा ही सिर्फ मीठी चीज़ रहे हैं। एनर्जी तो वो दे रहा है उस वक्त इंस्टेंट आपको, लेकिन असल में आपको नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में ये जो हम बात कर रहे हैं शुगरी ड्रिंक्स भी इसमें चूँकि ऐड हो जाते हैं, ये क्या प्रूवन फैक्ट है कि जो शुगर इंटेक होता है वो कैंसर कॉजिंग भी होता है? जी ऐसा ही है, कैंसर कॉजिंग है, क्योंकि उसके अंदर एक एजेंट होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि कैंसर सेल्स को जो है वो इंक्रीज कर देता है, और इस वजह से हमारी बॉडी में हमें कैंसर होता है, जिसे हम MSG कहते हैं। जी जी MSG जैसे। और ये जितने प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं जिसमें अगर इंग्रेडिएंट्स पे जाए वहाँ पे MSG लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो ना इस्तेमाल किया जाए। आप उसकी परसेंटेज देखें कितनी परसेंटेज, MSG की परसेंटेज कितनी हो तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर 25 से ज़्यादा है तो फिर आप उसको ना लें, 25 से कम है तो आप ले सकते हैं। ओके, 25% से ऊपर MSG किसी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स में होती है, उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे हमारे पास इंस्टेंट नूडल्स आते हैं और ये चीज़ें आ जाती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो इसी वजह से जो है वो FDA ने बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपने कितना अमाउंट लेना है। जैसे अगर आपने इंस्टेंट नूडल लेने हैं तो आप जो है वो एक ले सकते हैं रोज़, ये नहीं कि आप 2 पैकेट्स ले लें, 3 पैकेट्स ले लें, नहीं, लेकिन आप 1 पैकेट नूडल का ले रहे हैं, उसके अलावा जो आप बाकी चीजें खा रहे हैं हो सकता है उसमें भी MSG में तो ऐड है। थोड़ी क्वांटिटी जो होती है वो तो अच्छी खासी क्वांटिटी। तो फिर ये वही आता है ना कि हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो आप उसे कम करें, आप कम करें, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक प्रोडक्ट ले लें, जैसे अगर आपने इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं तो आप इंस्टेंट नूडल्स का इतना सा पोर्शन रखें और प्रोटीन का इतना पोर्शन, ठीक है। तो उससे ये होगा कि प्रोटीन उसको बैलेंस आउट कर जाएगा। एक तो बैलेंस करना ज़रूरी है, दूसरी बात कोशिश ये करें कि कम से कम इस्तेमाल करें, ना ही करें, लेकिन चलें उसके बगैर गुजारा हमारा नहीं है, तो कम से कम की तरफ जाएं, बच्चों के लिहाज से भी और अपने लिहाज से। डॉक्टर साहब बहुत प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए